की कीजिएगा, हार्ड रीसेट कंप्लीट, रॉन्ग पासवर्ड, की स्टेटस को देखिएगा, तब आपका पूरा का पूरा लॉक अनलॉक हो जाएगा। पिन लॉक हो, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, एप्पल लॉक, अनदर कोई भी लॉक हो, सारा का सारा यहाँ पे रिमूव। एंड देन इसे बैक करेंगे, डाटा बेस बटन पे 3 टाइम क्लिक करेंगे और हार्ड रीसेट पे कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। हार्ड रीसेट करते ही यहाँ पे पास का ऑप्शन आ जाएगा, तो फाइनली आपको होम बटन को प्रेस कर देना है। तो हेलो एवरीवन, क्या आपका भी सैमसंग का फोन आपसे लॉक हो गया या कोई बच्चे ने आपका फोन लॉक लगा दिया? यदि आपके साथ इस सिचुएशन या इस तरह का केस चल रहे हैं और आप परेशान हो गए हो कि सैमसंग का फोन कैसे अनलॉक होगा, आपको पता नहीं है या याद फिर नहीं आ रहा है कि कैसे हमारा हैंडसेट अनलॉक होगा, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एक ऐसा ट्रिक लाया हूं जिससे आप सैमसंग का कोई भी फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो। फ्रेंड, आपके फोन में जब पासवर्ड लॉक, पिन लॉक या फिर पैटर्न लॉक लग जाने के बाद आप बहुत तरह का रॉन्ग पासवर्ड ट्राई करते हो, फिर भी आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं हो पाता है, तब आप या तो सर्विस सेंटर पे जाते हो या आसपास की रिपेयरिंग दुकान पे। तो फ्रेंड, अगर आपको आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं पे भी जाके अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, बट आपका डाटा कभी रिकवर नहीं आ पाएगा। लेकिन आज आप हमारे वीडियो पे आए हो, हमारे चैनल पे आए हो, तो आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका फोन अनलॉक भी हो जाएगा और साथ साथ में डाटा भी रिकवर हो जाएगा, जिससे आपका पैसा भी बच सकता है और टाइम भी बच सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप घर बैठे भी कर सकते हो। तो चलिए फटाफट मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो यूट्यूब पे मैं अक्सर आपके लिए मैं लाता रहूं। तो फ्रेंड, अगर आपका फोन लॉक है सैमसंग का कोई भी मॉडल, तो सबसे पहले अपने फोन को अनलॉक करने के लिए आप अपने फोन में से सिम कार्ड को निकालना होगा। ठीक है, जब फाइनली आपका सिम कार्ड निकल जाए या आपको सिम कार्ड निकालने का मन ना हो, तो आप फाइनली एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन कर सकते हो। जब आपका ये दो काम में से कोई एक वर्क कर ले, यानी कि आप सिम कार्ड निकाल लिए हो तब ठीक है, नहीं तो एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन कर लियो तब भी ठीक है। तो जब ये दोनों काम हो जाए तब हमें यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन में पासवर्ड लॉक लगा हुआ। आपके फोन में पिन, पैटर्न, पासवर्ड, अंदर कोई भी लॉक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपली हमें इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन करना होगा। इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले FRP अनलॉकिंग कोड यूज करना होगा, जिससे आपका हैंडसेट अनलॉक हो सके। तो ये कोड को आप शेयर भी कर सकते हो, ताकि आपका फ्रेंड का भी कभी भी लॉक हो जाए, तो इस कोड के माध्यम से आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो। तो फटाफट इस कोड को आप अपने फोन में कॉपी कीजिए, जिससे आपका कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई भी अंग छूट जाएगा तो अब आपका फोन अनलॉक नहीं हो पाएगा और आपको वीडियो फिर से दोबारा देखना पड़ जाएगा, फिर से मेहनत लग जाएगी आपको। और हाँ, यदि आपका कोई भी फोन लॉक हो जाए कभी भी, तो कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए भी वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चलिए ये कोड फटाफट आप कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए हो तो इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है। तो सर्विस सेंटर से एक्टिवेट के लिए हमें यहाँ पे पहले कॉल पे क्लिक करना होगा। कॉल का ऑप्शन यहीं पे बचा हुआ है। कॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपके स्क्रीन पे, बस आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है एंड देन इस कोड को आपको हटा लेना। जब फाइनली ये कोड आपका इरेज हो जाए, हट जाए आपके इमरजेंसी कॉल के पेज पे से, तब आपको यहाँ पे एक डाटा रिकवर का कोड यूज करना होगा। ठीक है, ये डाटा रिकवर का कोड हमारा आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको आज बता देते हैं, इस कोड से आपका डाटा भी रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं लाइव दिखाता हूं। पहले ये कोड को आप फटाफट कॉपी कीजिए। कॉपी कर लेने के बाद इस कोड को भी हमें एक्टिवेट करना है। तो सर्विस सेंटर से कॉल पे क्लिक करेंगे, ओके का ऑप्शन मांगा जाएगा, ओके पे प्रेस करेंगे एंड देन इस कोड को हमें हटा लेंगे। जब फाइनली ये दोनों कोड हमारा एक्टिवेट होने लगे, तब हमें यहाँ पे मैक्सिमम 5 सेकेंड वेट करना होगा। ठीक है, 5 सेकेंड, जब 5 सेकेंड के अंदर दोनों कोड हमारा एक्टिवेट हो जाए, तो यहाँ पे हार रीसेट कोड यूज करना होगा आपको, *#899#। ये कोड को डायल करते ही आप एक इंजीनियर मोड के फाइल पे आओगे। इंजीनियर मोड के फाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन यूज करना है, बल्कि हमें वही ऑप्शन यूज करना है जिससे हमारा हैंडसेट अनलॉक हो सके। तो सबसे पहले 5 नंबर पे सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे 2nd नंबर पे देखिएगा एंड्रॉइड वर्जन नीचे 12 लिखा हुआ, यानी 12। यदि आपके फोन में 12 वर्जन है या 13 वर्जन है या 14,
कोई भी अंक हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको 12 टाइम क्लिक कर देना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फाइनली 12 टाइम हम इसे क्लिक कर चुके हैं। इसके बाद इसे बैक करेंगे, 4 नंबर का मैनुअल टेस्ट पे आ जाएंगे, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे अदर्स पे। अदर्स पे आने के बाद सेकेंड नंबर रीडायरेक्ट इंपॉर्टेंट लॉग टेस्ट पे क्लिक करके पहले हार रिसीव कोड यहाँ पे यूज करना होगा, *#899#। ये कोड को डायल करते ही ओके कीजिएगा, हार्ड रीसेट कंप्लीट रॉन्ग पासवर्ड की स्टेटस को देखिएगा, तब आपका पूरा का पूरा लॉक अनलॉक हो जाएगा। पिन लॉक हो, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, एप लॉक, अनदर कोई भी लॉक हो, सारा का सारा यहाँ पे रिमूव। एंड देन इसे बैक करेंगे, डाटाबेस वर्जन पे 3 टाइम क्लिक करेंगे और हार्ड रीसेट पे कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। हार्ड रीसेट करते ही यहाँ पे पास का ऑप्शन आ जाएगा, तो फाइनली आपको होम बटन को प्रेस कर देना है, आपका फोन सैमसंग का हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।